और इसके डोमिसाइल बनने में जो लोग जिम्मेदार होंगे उनसे भी बात छोड़ की जाएगी और जिन्होंने सिलेक्शन किया है उनसे भी पासपोर्ट दी जाएगी और कराची हैदराबाद के साथ ये कोई नया रवैया नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पूरे हैदराबाद में जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है सैकड़ों साल तक सिंध का दारुल खिलाफा है पार्टी के मुताबिक दौरे हुकूमत में और तर्ज हुकूमत में कोई आप खुद हैदराबाद में रहते मे भी पॉसिबल बहुत सारे लोग पैदा ही हैदराबाद में हुए होंगे आपको एक स्कूल भी नहीं मिलेगी ना कोई कॉलेज ना कोई नया अस्पताल। हमने उस पर बातचीत कर रखी है कि हुकूमत ने 10 साल में कितने पैसे खर्च किए और कहां कहां पर और ये 10 साल से पीपल्स पार्टी का रिजीम चला रहा है। 2008 में जब हम कोलिशन में थे तो हमारे हैदराबाद के लिए पब्लिक सेक्टर के एक मेडिकल कॉलेज उसको भी 10 साल गुजर गए वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ और इसमें ना मसला है ना वसाइल का मसला सारा मसला मुतासिब तर्ज हुकूमत का है। इंतहा तो ये है कि जो मैंने अपने वक्त में काम किए आपके सामने हालांकि का फ्लाई ओवर है मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों की जहनियत का अंदाजा था उनकी मेंटेलिटी का अंदाजा था इसलिए मैंने उसका नाम बेनजीर फ्लाई ओवर रखा। वो शहर के नवा में वो नेशनल हाईवे पुरानी नेशनल हाईवे आज तक उसे मुकम्मल नहीं किया जितना मैं बना कर गया हूँ उतना ही मैं ट्रामा सेंटर बना कर गया शकील भाई बहुत सोच समझ कौन सा ऐसा एरिया होता है कि हो सकता है कि जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के नजदीक करीब हो तो इस जगह का इंतजार आप तो हैदराबाद को जानते हो
और आगे नहीं जाती फौरन बाद उसके कैंटोनमेंट में आज तक लेकिन उनकी कीमत के लाखों में एक एक इक्विपमेंट वो भी वहां से निकाल कर दे रहे हैं ऑफिसर्स ने स्टाफ ने बताया कि लड़ता है ₹1500 अरब दस साल में पेमेंट पार्टी ने सिर्फ डेवलपमेंट पे खर्च किए हैं इसमें दीगर एक्सपर्टीज शामिल नहीं है लेकिन पेमेंट पार्टी इसी के हैदराबाद के लिए ₹1,00,000 मुशरफ साहब के रिलीज में हॉस्पिटल चाइल्ड हॉस्पिटल स्कीम में आ गई टी एस डी में आ गई बाद उनको बताई पीपल्स पार्टी का वो भी यहाँ और ये बहुत उनकी दास्तान है क्या क्या बताऊं और ये सिर्फ ये जितनी भी नौकरियां दी गई हैं जब हमने डिटेल निकाली है तो ये भी निकाली है कि इसमें 75 से 80 नौकरियां भेजी पैसे देकर कोई सिद्धियों से मोहब्बत की बात नहीं हो रही मैंने मैंने उनके नाम पर फ्लाईओवर बनाया आपके प्रेस क्लब के सामने चौराहा जो हैदराबाद के दो सबसे अहम चौराहे हैं लेवर्टी मार्केट है और दूसरा प्रेस क्लब है इस पे उनका मॉन्यूमेंट बनाया अगर इस्लाम में मुजस्मा साजी हराम नहीं तो मैं उनका मुजस्मा भी लेकिन ये सिंसे मोहब्बत आपको मालूम है कि होश मोहब्बत बीवी कहाँ शहीद हुए ये दुआबी के मैदान में हुई थी जहाँ पर आज न्यू हैदराबाद जहाँ पर अंग्रेजों की फौज से वीरों की फौज की लड़ाई हुई एक एक इंच जमीन बेच दी है उसकी इन सिंसे मोहब्बत करने वालों ने और होश मोहम्मद शीरी का मजार भी बेच दिया है आप जाए आप मीडिया से वाबस्ता लोग हैं जाकर देखेंगे ये जब बराबर में मशीनी का मजार था मैंने कहा भाई मेहरबानी करके इसको तो खड़े खड़े Thank you.
बिल्डर से मिलने वाले चंद पैसों के खातिर